जिसकी किस्मत में लिखा है कि मुख्यमंत्री बनना है वो बनना है। सरकार में तो बस न चाहते हुए भी योगी जी को देखना चाहेंगे। कौन जीतेगा, कौन मात खाएगा? योगी आदित्यनाथ। राहुल जी नाम भी मतलब समस्या आई और समस्याओं का सामना किया, सामना करना पड़ता है जिंदगी में, समस्याएं तो आती हैं। देख ले महीनों को भी लॉकडाउन के समय में तो खर्चा भी नहीं निकल रहे थे, उस महंगाई के चलते तो योगी जी ने बहुत बुरा हाल कर, जिम्मेदार दलित भी हैं इसके। आपने बड़े बड़े होटल्स में और भारत के अलावा विदेशों में भी लाइव किचन की बात सुनी होगी और साथ ही साथ सुना होगा कि किस तरीके से लोगों के सामने ही जो कस्टमर्स होते हैं उनके सामने लोग खाना बना करके परोसते हैं, लेकिन ये वृंदावन है और वृंदावन में ऐसे लाइव किचन आपको हजारों मिल जाएंगे। हर रोड के किनारे जो है तो कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट और कई सारे ऐसे होटल्स हैं जहां पर बिल्कुल लाइव होता है, जो भी होता है, जो खाना बनता है तो वो कस्टमर्स के सामने बनता है और बहुत ही अनोखे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इस चीज़ को कस्टमर्स के सामने जो है तो देखा जा सकता है। कस्टमर इसको खा करके आनंदित होते हैं और ये ब्रज की धरती है, ब्रज के बोल जो होते हैं बहुत मीठे होते हैं और यहाँ का भोजन कितना मीठा होता है और यहाँ के भोजन की क्या विशेषता होती है, यहाँ के होटल संचालक से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे तड़का लगता हुआ देख पा रहे हैं, दाल का जो तड़का होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है यहाँ का, हमने ऐसा सुन रखा है। तो किस चीज़ की दाल बना रहे हैं? अरहर की तड़का लगा रहे हैं जी। ये बताइए कि दिन भर में लगभग कितने लोग आ जाते हैं? अभी इतना नहीं पता कितने आ जाते हैं। पूरा दिन यहाँ पर स्पेशल काम है दाल का तड़का लगाना, आजकल चल रहता है जी, सिर्फ उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। एक भैया और हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तड़का तो बड़ा टाइट है और सरकार भी बड़ी टाइट है, चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा, कौन मात खाएगा इस बार? योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। मायावती की क्या हलचल रहेगी, कुछ समझ में आता है, कहीं आएंगे सीटें वगैरह? समझ में नहीं आएंगी वो किसी, बिल्कुल पूरी तरीके से शून्य कर रहे हैं आप। योगी पहले नंबर पर, योगी आदित्यनाथ जी दूसरे नंबर पर, अखिलेश यादव। और प्रियंका गांधी जैसे लोग वो तो फिर मैदान से बाहर बाहर है। राहुल गांधी नाम भी मतलब काफी नाराज नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। और क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? सब कुछ मिल जाता है, खाने के जितने आता है सब मिल जाता है, मतलब मन भर जाता है, बिल्कुल हृदय भर देते हैं, तृप्त कर देते हैं कुल मिलाकर के, बात ये कह सकते हैं जी। इस टाइम पे तो लॉकडाउन रहा जैसे पिछले एक डेढ़ साल से, तो जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में सबसे बड़ी जो समस्या थी तो कहीं ना कहीं आप लोग जो होटल संचालक हैं तो उनका धंधा पूरी तरीके से बंद था जी, तो क्या समस्या हुई? समस्या आई और समस्याओं का सामना किया, सामना करना पड़ता है जिंदगी में, समस्याएं तो आती हैं, पर यह है कि बैरजी महाराज की कृपा से अब थोड़ा समय लाइन पर आया। चलिए, बहुत उनसे यही प्रार्थना है कि समय ऐसा ही चलता रहे जी। अब हम बातचीत करेंगे यहाँ के होटल संचालक से जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे दाल फ्राई। आपके होटल का नाम जानना चाहेंगे हम। किशोरी भोजनालय। ये जगह भी जो है तो किशोरी की ही है, ये होटल भी किशोरी जी का है और ये कृष्ण और राधा के प्रेम की स्थली है, जो तो यहाँ हजारों कहानियाँ जो है तो जुड़ी हुई हैं उनके जीवन से, और ये किशोरी भोजनालय है आपका। किशोरी भोजनालय, तो जब भक्तगण आते हैं और जो तो आपका भोजन करके तृप्त होते हैं तो कैसा लगता है कि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है? उनकी कृपा से ही सब संभव होता है, बहुत खुशी होती है अगर कोई कहते हैं कि अच्छा खाना है जी, और ये तभी हो पाता है जब बिहारी जी की और श्री जी की कृपा है जी। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव, कृपा के बिना कुछ भी नहीं। कितने भक्तगण आते हैं लगभग जो तो प्रतिदिवस की अगर हम बात करते हैं यहाँ रेस्टोरेंट में या परिक्रमा में? यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में जो तो अंदाजतन अगर हम बात करें, क्योंकि वो तो संभव नहीं है कि एग्जैक्ट बताया जा सके, अब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वीकेंड में तो गिनती नहीं कर सकते। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, वो विद्यालय के बाद दूसरा धंधा शायद था जो भोजन से जुड़ा हुआ है, जो पर्यटक स्थलों में होटल्स वगैरह हैं वो बहुत प्रभावित हुए, तो कितना लगभग नुकसान हुआ, क्या कैसा रहा वो दौर जो संघर्ष का दौर था? हर तरह से घाटे ही घाटा था जी, और लॉकडाउन के समय में तो खर्चा भी नहीं निकल रहे थे जी, पर्यटक कोई आ नहीं रहे थे जी,
और किसी तरह से दुकान का कर्मचारियों का कोई खर्चा नहीं निकल पा रहा था। बस अपने आप को मतलब सरकार में किसे देखना चाहेंगे? सरकार में तो बस ना चाहते हुए भी योगी जी को देखना चाहेंगे। देखना योगी जी को चाहेंगे लेकिन ना चाहते हुए कारण योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। लेकिन महंगाई ने जो एक आम जनता की कमर तोड़ी है। अब पूंजीपतियों की तो बात ही कुछ अलग है, लेकिन आम तौर पे जो मध्यम वर्ग है और जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए तो खाना भी नसीब नहीं। उस महंगाई के चलते तो योगी जी ने बहुत बुरा हाल कर दिया। बाकी उनकी लीडरशिप की बात करें तो बहुत ही लीडरशिप से संतुष्ट हैं। अखिलेश की लीडरशिप में क्या कमियां थी? जो अखिलेश भी बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अखिलेश के जो सहयोगी नेता थे उन्होंने उनको मतलब उस पोजीशन पे नहीं मतलब सही तरीके से काम करने में थोड़ा सा बाधक बने, इसलिए ये दिक्कत हो रही है। अखिलेश जी अच्छे नेता थे जी। और पढ़े लिखे अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, युवा हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उनके मंत्रिमंडल में वो लोग गलत थे। और अगर यूपी की राजनीति की, यूपी की सियासत की बात करते हैं तो अखिलेश और योगी के अतिरिक्त भी एक चेहरा है मायावती का। लेकिन पिछले कई वर्षों से अगर हम बात करें चुनाव के बाद, मायावती मैदान में सही तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। क्या लगता है क्या स्थिति रहेगी इस चुनाव में? देखिए, पहले जो दलित थे ना जी, उनको क्या कहूँ, काफी हर पार्टी समझती थी जी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हर पार्टी ब्राह्मणों को लेके चल रही है जी। वैसे मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन हर पार्टी कोशिश रह रही है कि ब्राह्मणों को टिकट दी जाए और तो दलितों को थोड़ा सा किनारे किया जाए। राजनैतिक हितों के लिए उपयोग किया जा रहा है कुल मिलाकर। जिम्मेदार दलित भी हैं इसके, ऐसा नहीं है, वो भी जिम्मेदार हैं। जो वो लागू हुआ था, जैसे किसी से एसटी एक्ट की बात कर रहे हैं आप, हरिजन एक्ट लगना, ये बहुत सारी चीजें हैं उसकी वजह से ये सब हुआ है जी। तो ये भी एक पहलू है जो उनके पीछे जाने का एक महत्वपूर्ण पहलू कह सकते हैं। और क्या क्या यहाँ पर, आप तो बस बिहारी जी की बात करें जी, वृंदावन में सिर्फ बिहारी जी के अलावा कुछ है ही नहीं जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मंदिर बहुत हैं जी, लेकिन जो बिहारी जी हैं जी और जो बिहारी जी की कृपा लोगों पर रहती है और हमेशा ऐसी रहेगी। अब उन्हीं की कृपा से तो हम हैं, आप हैं, सारी की सारी स्थितियां हैं, सृष्टि। लेकिन समय की मांग ये भी होती है कि चुनाव होने वाले हैं तो आखिर वो भी तो उन्हीं का रचाया हुआ पूरा का पूरा ये महाभारत है एक, और उसकी भी चर्चा करनी है। लोग तो गॉड गिफ्ट है जी, बिल्कुल सही। जिसकी किस्मत में लिखा है कि मुख्यमंत्री बनना है वो बनना है जी। जब लोग कहते हैं कि चाय वाला वहाँ से पीएम बन गया तो उसकी किस्मत की बात है ना, ये गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल सही चर्चा की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधे राधे। अभी हम कुछ समय के बाद यहीं पे खाना खाने वाले हैं और आप मेरे सामने लाइव कुकिंग देख सकते हैं। बड़े होटल्स में ऐसा कई बार सुना जाता है कि लाइव कुकिंग्स होती हैं, लेकिन ये जो मथुरा वृंदावन या फिर ऐसे जो एरियाज हैं, धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, वहाँ पर रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पर लाइव किचन आप देख सकते हैं और अपने आँखों के सामने खाना बनता हुआ देख करके उसे खा सकते हैं, उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।